Student, in this video I will teach about the algebraic identities. This you have learned in class 8. What is algebraic identity? An algebraic identity is an algebraic equation that is true for all the value of variable occurring in it. मतलब एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सारे वेरिएबल के लिए ट्रू होता है. इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्जेब्रिक, यहाँ पर हम लोग इससे क्लास 9 में 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे. पहला आइडेंटिटी है आइडेंटिटी 1, नंबर 1, डेट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये आइडेंटिटी 1 है, ठीक है. ये इसका मतलब क्या है? ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. मतलब हम लोग एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू 1 ले ली और वाई की वैल्यू 2 ले ली, अब दोनों में पुट करना है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा. जैसे 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, ये भी 9 आ रहा है. 9 इक्वल टू 9, मतलब ये कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है. इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो ऐसा इक्वेशन जो कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, ठीक है. ये है हमारा पहला आइडेंटिटी. कौन सा आइडेंटिटी? पहला, ठीक है. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस, इसका क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे कि ऐसा कुछ दिया होगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका एक्सपांड करने बोलेंगे, तो क्या करोगे? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, मतलब टू एक्स पे क्या है? एक्स है. वाई के जगह पे क्या है? फाइव है, तो फाइव रखोगे प्लस वाई स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टू इंटू फाइव टेन, एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर 25. तो ये ऐसा रिजल्ट आता है इसका, ठीक है. एग्जाम्पल करें समझ में जाएगा. आइडेंटिटी 2 सेम है, बस माइनस का फ़र्क है. एक्स माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर रहेगा, बस जो मिडिल टर्म है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ये होगा आइडेंटिटी 2, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. बस सेकेंड टर्म में फ़र्क आएगा, हमारा बाकी सेम. थर्ड आइडेंटिटी क्या है? यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. किसकी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी बोलते हैं. एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका यूज़ कैसे होता है? देखें, जैसे कि नंबर कुछ दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 25, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या आ गया? फाइव का स्क्वायर, इसको हम लोग, ये एक्स हो गया और ये वाई के पे फाइव है, तो एक्स प्लस वाई है ना, तो प्लस फाइव ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, मतलब फाइव एक्स माइनस फाइव, ऐसा इसका रिजल्ट आता है. ये आइडेंटिटी थर्ड. आइडेंटिटी फोर्थ क्या है? एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी, इसका रिजल्ट है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इसका रिजल्ट आता है. आइडेंटिटी सेकेंड का क्लियर, आइडेंटिटी फोर्थ है. चार आइडेंटिटी के ऊपर बाकी 5 to 8 आइडेंटी अगले वीडियो में करें. इसके बाद एग्जांपल करते हैं 2.5 का, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2.5 एक्सरसाइज, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. मतलब हमें पहले चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी 1 to 4 में, और उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है. तो ये कौन से फॉर्म में? एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन, मतलब ये इस फॉर्म में है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है. मतलब एक्स आइडेंटिटी 4 लगी. कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी? आइडेंटिटी 4 लगेगी. तो यूजिंग आइडेंटिटी 4 दिस कैन बी रिटर्न है, यहाँ लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसकी आइडेंटिटी होती है. अब एक्स स्क्वायर पे तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा. एक के जगह पे क्या है? 4 है. बी के जगह पे क्या है? 10 है. और एक्स एक्स वापस एक के जगह पे 4 और बी के जगह पे 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4 + 10 = 14, एक्स प्लस 40. ये आपका हो गया आइडेंटिटी 1 का यूज कर, ऐसे सॉल्व किया जाता है. देखना है कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है चारों में. उसके बाद देखो ये क्या है? एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 10, ठीक है. ये इसी फॉर्म में एक्स प्लस है, तो इसकी वापस आइडेंटिटी लिख दो. एक्स स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 4 लिख देना है. एक्स ए बी, यहाँ पर एक्स तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा. ए के जगह पे क्या? 8 है.
और बी की जगह पे क्या है, 10 है, प्लस है माइनस होगा देख के रखना है, प्लस है कि माइनस है, एक्स 8 × 10 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 + 10 18, एक्स 8 × 10 80, तो ये आंसर 2, इसका प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, ये इधर कौन सी आइडेंटिटी, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब देखो इसमें ये और ये वाई, ये दोनों टर्म सेम है और ये दोनों भी टर्म है, मतलब ये इस फॉर्म वाली आइडेंटिटी हो गई, कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला फॉर्म हुआ ना, मतलब देखो एक्स और वाई दोनों में वैल्यू सेम होगी या और नंबर सेम होगा, प्लस माइनस का साइन होगा, उसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर है, और इसके जगह पे क्या है, वाई के जगह पे हेयर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 3/2, तो आइडेंटिटी थर्ड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स से पे वैल्यू क्या रखी हमने, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है 3/2 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 और ये 3 का स्क्वायर 9/4, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और लिखता है एग्जाम्पल, इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 3x + 4 3x - मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग रही है वापस, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की, बट फर्क क्या है, यहाँ पर जो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी 4 होगी और बी की वैल्यू हमें माइनस लेना है क्योंकि ये माइनस है -5 और एक्स से पे क्या लेना है 3x लेना है, तो आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्या जाए एक्स की वैल्यू क्या लेनी है 3x लेनी, क्योंकि एक्स पे क्या 3x होल स्क्वायर लेना है, प्लस ए कितना है 4 है, बी कितना है -5 है, 5 नहीं -5, एक्स ए 4 बी -5, तो 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, ये क्या 4 - 1 एक्स -20, ये रिजल्ट होगा। देखो वापस क्या आ गया, 3 - x 2x 3 - 2x, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 - 2 होल स्क्वायर, ये दोनों तो सेम टर्म है, इसको दो बार लिखा, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, आइडेंटिटी टू से क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स के पे क्या है 3 है और वाई के जगह पे क्या है 2x है, तो हमारा रिजल्ट क्या दे देगा इसका, 3² मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy 2x प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, तो 3² 9 2 × 3 6 × 2 12x प्लस 4x² ये रिजल्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 5, x + 5 होल स्क्वायर, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो x + 5 द होल स्क्वायर, लिख दिया द होल स्क्वायर, अब द होल स्क्वायर इसका लिखने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला कौन सा, x² + 2xy + y² वाला, तो ये क्या होगा, एक्स का वाई स्क्वायर प्लस 2x + 5 + y² तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x + 25, तो ये इसका रिजल्ट देगा, ठीक है, क्लियर, स्टार्ट। अभी ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, मतलब ये फैक्टराइज का है, मतलब इसको हमें आइडेंटिटी के फॉर्म से उस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लाना है, कैसे लाएंगे, देखो इधर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy + y² का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर किया, और y किसका स्क्वायर होता है y का, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, बीच में क्या था 2x, तो x पे क्या है 3x है प्लस y, तो y के जगह पे क्या है y, तो इस ये किस फॉर्म में बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy + y², तो उसका रिजल्ट क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब x से पे क्या है 3x + y², इसे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy² इक्वल टू x + y² इससे यूज करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन,
फोर वाई स्क्वायर, तो फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का, तो टू वाई द होल स्क्वायर। वन किसका स्क्वायर होता है, वन होता है वन का, तो ये एक्स से पे क्या आ गया, टू वाई हो गया, और वाई के पे वन हो गया, तो टू इंटू एक्स, तो टू वाई प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स से पे क्या है टू वाई, तो लिखोगे टू वाई बाद में माइनस है, तो माइनस और वाई क्या है वन, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, देखो दो आइटम वाली आइडेंटिटी एक ही होती है, वो वाली तो थर्ड आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एक्स के पे तो एक्स है नो डाउट, और यहाँ पे वाई का 100 किसके स्क्वायर है, 10 का, तो वाई बाय 10 करोगे, और आइडेंटिटी क्या लिखोगे, एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई के जगह पे वाई बाय 10, बाद में एक्स के जगह पे एक्स ही है, वाई के जगह पे वाई बाय 10, यूजिंग आइडेंटिटी लिख दें, आप बताइए आइडेंटिटी थर्ड लिख देना बस, बहुत कम।